जिले सुभानी, ये खाकसार वाली अवध नवाब शुजाउद्दौला की तरफ से सलाम और नजराना लेकर हाजिर हुआ है। पेश करने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत घड़ी है। विलायती? जी जिले सुभानी। हुजूर नवाब साहब विलायती चीजों के दिलदादा हैं। घड़ियां, झाड़ फानूस, आईने, चीनी के गुलदान वगैरह मुंह मांगे दामों पर अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली सौदागरों से खरीदते हैं। उनका महल इनका एक अजायब खाना है। हमारी ताजपोशी और हमारी सल्तनत के वजीर के तौर पर उनकी दस्तार बंदी के मौके पर हमें ऐसे ही और तोहफे पेश किए जाएं। तामील होगी जिले सुभानी। हुजूर नवाज साहब ने दरियाफ्त किया है कि बिहार से चलकर अवध की सरहद में आप कब और कहां दाखिल होंगे, ताकि शाही इस्तकबाल के लिए वो खुद हाजिर हो सकें। हम आपको खबर कर देंगे। जो आलीजा का हुक्म। नवाब साहब की एक इल्तिजा है, जिले सुभानी की अगर कोई खास फरमाइश हो तो इशारत की जाए, ताकि उसे पूरा करने की इज्जत हासिल की जा सके। हमारी एक फरमाइश है। हम मुगल सल्तनत के फरमा रवा है। लखनऊ में जहां हमें ठहराया जाए, जब हम उठें, जब भी जहां जाएं, नौबत बजे और नौबत खाने में शहनाई और नक्कारे हो। जिले सुभानी की शान में रोजाना नौ वक्त नौबत बजेगी। खूब, बहुत खूब। अब आप जा सकते हैं। शुजाउद्दौला हमारे अवध में दाखिल होते ही हमें गिरफ्तार तो नहीं कर लेगा? ये क्या फरमा रहे हैं हुजूर? ये हम नहीं, हमारा तजुर्बा फरमा रहा है। हर आदमी हमारा दुश्मन है। हर गोशे में एक कातिल है। हर कदम पर साजिश का जाल है और हर इंसान दो मुंह वाला सांप है। एक मुंह से हमसे कुछ कहता है और दूसरे मुंह से किसी और से कुछ। महाबली सही कहते हैं, आज किसी का किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। लेकिन जिले सुभानी, नवाब शुजाउद्दौला आपके सूबेदार हैं, अवध आपका सूबा है, कोई खतरे की बात नहीं। कोई किसी का नहीं होता, जाने कब बदल जाए। आलमपना गुस्ताखी माफ। नाचीज का मशवरा है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? अवध में अपने मुबारक कदम रखने और ताजपोशी की तारीख मुकर्रर कर देना, ताकि नवाब शुजाउद्दौला को तैयारियों के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। आज से 12 दिन बाद 13 रजब को मुनासिब। हमारे सरताज क्या सोच रहे हैं? हमारे सर पर ताज है पर बैठने को तख्त नहीं। हम दिल्ली के बादशाह हैं पर दिल्ली में नहीं। हम अपना और दिल्ली का नसीब बनाना चाहते हैं पर लोग बिगाड़ देते हैं।
जिसे छूते हैं वो असली नहीं नकली निकलता है। हम वो अक्स हैं जो दिल्ली के आईने में नजर तो आता है पर है नहीं। हम जानते हैं दिल्ली आपको बहुत प्यारी है, बहुत याद आती है। बहुत बहुत याद आती है। दिल्ली से हम क्या निकले, लड़कपन और जवानी दोनों ही हाथ से निकल गए। मुगल सल्तनत की, लाल किले की, अपने शहजादा होने की और नौबत नक्कारों की आवाज याद रह गई। सुना है नवाब शुजाउद्दौला से आपने एक ही फरमाइश की, नौबत नक्कारे बजे, शायद इसीलिए। हाँ मुबारक बेगम, शहनाई नौबत नक्कारे मुगल शहनशाहों के महल में हजरत जहीरुद्दीन बाबर मरहूम के जमाने से बजते आए। ये रीत हमको उनसे विरासत में मिली जो हमको बेहद अजीज है। शहनाई के सुर हमारी सांसें हैं और नौबत नक्कारों की लय हमारी धड़कने। नस्ल तैमूर की जिंदगी इन्हीं से है। जब ये बजना बंद हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि हम नहीं रहे। खुदा ना खास्ता ऐसी बातें मुंह से ना निकालिए।